नमस्कार, फॉरेस्ट लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। मैं संजय आज आपके लिए लेकर आए हैं जो जियो वाईफाई आता है उसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आते हैं, हम उसे उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं। जियो वाईफाई आते हैं उसके उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है उसे चेंज करना आपको बताया जा रहा है। तो चलिए मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको जो ऊपर URL का ऑप्शन आता है उसे उस पर क्लिक करना है और आपको लिंक डालना है इसमें। तो लिंक है jiofi, ये देखिए ऊपर आ रहा है jiofi jio.local.html और ऑब्लिक है वो ऑब्लिक भी लगाना है। ऑब्लिक लगाने के बाद ये वेब एडमिन का शो हो रहा है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही आपके पास ऐसा ये मेन्यू आएगा, ऑप्शन ऐसा एक पेज खुलेगा और जियो और लॉगिन बताएगा। यहाँ पर लॉगिन बताने के बाद ये जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है admin.strator। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे क्योंकि पासवर्ड भी ये हैं तो हम पासवर्ड में पेस्ट कर देंगे। लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये देखिए सेटिंग में जाना है आपको और वाईफाई जो आता है यहाँ पर ये 4G ये वाईफाई का नाम है और पासवर्ड है 1234567 8। हम इन्हें चेंज करेंगे तो मैं चेंज कर लेता हूँ Sanjay@AAS और वाईफाई का नाम करना है 4F Jomo 4G। ये मैं वाईफाई के पासवर्ड लगा लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। आपको मिनिमम कम से कम 8 अंकों में पासवर्ड चूज़ करने हैं और जो डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ कि वो कैसे चेंज होगा। ये देखिए अभी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से वाईफाई डिस्कनेक्ट होने के बाद ऐसा सो होगा। ये देखिए 4S Jomo 4G नाम चेंज हो चुका है। कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड डालने हैं Sanjay@AAS पर लिखा था SanjayAAS। ओके करना है और वाईफाई कनेक्ट होने के बाद ये देखिए नाम भी चेंज हो चुका है पासवर्ड। अब हमें जाना है यूज़र मैनेजमेंट में। यूज़र मैनेजमेंट के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेटर जो आ रहा है हम यहाँ पर डालेंगे तो इसको कॉपी करेंगे। पहले क्या था तो मैं पासवर्ड में डाल देता हूँ, ये ओल्ड पासवर्ड है। अब न्यू पासवर्ड डालना है तो यहाँ पर चेंज करेंगे Sanjay@AAS। ये पासवर्ड हो चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर के की जगह न्यू पासवर्ड में कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे जो Sanjay@AAS का उसमें और कंफर्म कर देंगे। अप्लाई करेंगे, सेटिंग अप्लाई सक्सेस। ये देखिए लॉग आउट हो चुका है, यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो हमें दोबारा से रिफ्रेश करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद टाइप करेंगे Sanjay@AAS। टाइप करने के बाद कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ये लॉगिन हो चुका है। देखिए आप इसी प्रकार वाईफाई के पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं जियो वाईफाई के। और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है यूज़र मैनेजमेंट में वो भी आप किसी प्रकार चेंज कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे के लिए हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि हम जो वीडियो लाएंगे आगे के लिए वो बहुत बेस्ट रहेंगे आपके लिए। आपको उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा तो आप लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।